दोनों बिशप का यूज करके मेट किया हुआ एक अच्छा उदाहरण है। सफेद खेलने वाला है और पोजीशन अगर आप देखते हैं तो सफेद के दो नाइट चार पॉन गए हुए हैं और ब्लैक के क्वीन और बिशप गए हैं। सफेद ही प्लस है क्योंकि 12 पॉइंट यहाँ होते हैं, 6 7 8 9 10 पॉइंट ब्लैक के होते हैं। तो आप सोचे इसके ऊपर थोड़ा सा सफेद खेलने वाला है और तीन मूव में मेट हो गए हैं। वीडियो होल्ड कीजिए या ये पट के ऊपर मोरे लगा के देखिए। तो देखते हैं क्वीन टू डी वन खेला, ये क्वीन डी वन पे ऊपर के लिए। अभी इसके लिए काफी मूव थी, आप और भी मूव ट्राई करें अगर आपको लगता है। मेन मूव ये थी, एक तो जी फोर या डी फोर ये रेड दिखाया, या किंग को बी फाइव के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, कोई भी आप मूव ब्लैक के करते हैं तो चेकमेट ही हो जाता है। तो जी फोर किया समझो, तो क्वीन क्रॉस डी फाइव, क्वीन सेक्रीफाइस कर दी। देखिए क्वीन को किंग मार सकता है, किंग क्रॉस डी फाइव और बिशप एफ सेवन लेके चेकमेट हो गया। दोनों बिशप से चेकमेट हो गया और एक किंग ऑफ कोर्स इधर है, राजा को जाने नहीं दे रहा है और सी सिक्स के ऊपर। हाँ लेकिन बिशप बिशप का उपयोग ज़्यादा है इसके अंदर। और अभी देखते हैं डी फोर अगर खेलता है, डी फोर तो बिशप एफ सेवन लेके चेक देता है। अभी किंग को यहाँ जाना पड़ेगा बी फाइव के ऊपर। किंग बी फाइव के ऊपर अगर जाता है तो ए फोर से चेक देके मेट हो जाती है। तो ये हो गया। और तीसरे एक मूव इम्पोर्टेंट इसमें है, जो किंग को इसने अगर बी फाइव के ऊपर लिया तो किंग बी फाइव, तो क्वीन ए फोर पे जाती है, अगेन क्वीन सैक्रिफाइस की जाती है। तो किंग से मार दिया क्वीन को और बिशप ई एट यहाँ पे लेके चेक दिया और मेट, दोनों बिशप से मेट हुआ है। तो और ये पॉन के कारण भी हुआ है, पॉन से ये किंग ए थ्री पे नहीं आ सकता है। तो इस तरह दो बिशप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बिशप पेयर रखना एंड तक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये भी यहाँ से सीख मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए।